हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जो बच्चे ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्स करना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन बच्चों के लिए एक नोटिफिकेशन है वो जो निकल कर सामने आया है। जी हाँ, वो क्या नोटिफिकेशन निकल कर आया है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है ये सब सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है और जो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डबल ए ट्रिपल सी यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के अंदर जो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, उनको एक सर्टिफिकेट जो वो बनाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस जो पब्लिश किया गया है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंट दो दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें एमसीसी ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एमसीसी ने भी पीडब्ल्यूडी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी, किसको कैटेगरी को लेकर सर्टिफिकेट को लेकर, वही सेम टू सेम जो डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से भी आपको जो बनाना पड़ेगा सेम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। क्या क्या नोटिफिकेशन आई है, कैसे आपको बनाना, सब कुछ मैं आपको जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आया वो अच्छे से आपको समझा देता हूं। तो बच्चों आप यहां पे देख सकते हो, ये डबल ए ट्रिपल सी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर सामने आई है। अभी ये क्या नोटिफिकेशन आई है, जैसे कि आपको देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन कल ही पब्लिश की गई है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके जो है वो दिखा देता हूं। इसके साथ साथ यहां पे देख सकते हो, काइंडली अटेंशन टू ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2024 काउंसलिंग के अंदर, जो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकलकर सामने आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने लिखा है कि ऑल द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग 2023 हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, जो अपने आपको बोलते हैं कि हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो उनको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनको एक जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अपने रिजर्व्ड कोटा के अंदर जो है जाना चाहते हो, तो आपको ये नोटिफिकेशन जो दिया है आपके काम का है और ये नोटिफिकेशन के अंदर जो बोला गया है वो चीज आपको कंप्लीट करनी है। मेनली बेसिकली आपको जो एक सर्टिफिकेट बनाना है, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एमसीसी की तरफ से भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनको जो अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सेम टू सेम डबल ए ट्रिपल सी के अंदर भी जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कौन से कोर्सेज के लिए, बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, बीएचएम, बी फार्मा, ठीक है, इन सब कोर्सेज के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो वो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इस चीज के अंदर ऐसे इन्होंने लिखा भी हुआ, देखो एमसीसी नोटिस जैसे जारी किया गया था 30 तारीख को, सेम टू सेम इन्होंने भी वही नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जो भी बच्चे चिल्ड्रन, विडो फॉर आर्म फोर्सेज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं टू बी रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर एलिजिबिलिटी, तो जितने भी बच्चे हैं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी रेडी होने चाहिए अगर आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जितने भी सीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टच में रहना पड़ेगा और एमसीसी वेबसाइट के साथ क्या रहना पड़ेगा, टच के अंदर रहना पड़ेगा। बाकी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वो तो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचा ही दूंगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको अपना जाके सेंटर पे जाके अपने जो जो भी आपको इश्यूज वगैरह होते हैं तो आपने उनको बताना है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपका एक नया सर्टिफिकेट जो वो इशू करेंगे वो। अब कहाँ पे आपको जाके ये सर्टिफिकेट इशू करवाना है, कौन कौन से वो सेंटर बनेंगे वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली लिखा हुआ है कि 16 नोटिफाइड सेंटर यानी कि 16 सेंटर जो वो बनाए गए हैं। अब ये सेंटर कौन कौन से नीचे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो सिटी स्टेट, पहला सेंटर आपका न्यू दिल्ली के अंदर बना है, जो मतलब जो भी स्टेट आपके आसपास लगती है, जो भी सेंटर आपके आसपास लगता है, तो वहां पे जाके आपने क्या करना है, ये सेंटर्स में पहुंच के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना, साथ में 10th का सर्टिफिकेट, नीट का सर्टिफिकेट, 12th का नीट स्कोर कार्ड, जो भी मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह, वो सारे आपके क्या होंगे, वैलिड माने जाएंगे। कोई और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है तो उसको भी आप साथ में क्या करना, ले जाना। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मुंबई में नेक्स्ट सेंटर है, उसके बाद कोलकाता में है, चेन्नई में है, और चेन्नई में कहाँ पे ये सेंटर इस तरह लिखा हुआ है, मद्रास मेडिकल कॉलेज एमएमसी चेन्नई में बनाया गया है, दिल्ली का सेंटर यहाँ ये है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। मुंबई महाराष्ट्र में है, फिर गोवा में भी है, फिर केरला में है, फिर उसके बाद जयपुर राजस्थान में है, सेंटर के नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एसएमएस कॉलेज है जयपुर राजस्थान का, उसके बाद 9 नंबर पे चंडीगढ़ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में, उसके बाद त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है, ये न्यू दिल्ली में फिर से है, न्यू दिल्ली में है, नेक्स्ट कर्नाटका में, मतलब 16 सेंटर जो बनाए गए हैं, इन 16 सेंटर में जाके आपको जो विजिट करना है, विजिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत बोलना, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो भी आपसे पूछेंगे, जो भी आप बताना चाहते हो, तो इनको बता के आपका एक नया सर्टिफिकेट जो वो बन जाएगा, और सर्टिफिकेट को संभाल के रखना, जब भी आपकी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के अंदर ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा और ये सर्टिफिकेट आपका साथ में लगेगा, तभी आपको आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। बच्चों आई होप आपको ये नोटिस अच्छे से समझ लग गया होगा। इनके साथ फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको जो है काउंसलिंग
कैसे करनी है सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मेन हमारे पास यहाँ पे काउंसलिंग है और उसके डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि फर्स्ट आपके काउंसलिंग कैसे होगी और इसके अलावा आपके और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मस्ट कंपलसरी और नेसेसरी है। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी के सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक आपका भाई इजीली जो वो पहुंचा सके।